स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और जब मन स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, तो आपकी सोच जो है वो सकारात्मक रहती है। सोच सकारात्मक होगी तो आप अपने हित के लिए, अपने परिवार के हित के लिए और समाज के हित के लिए अच्छा सोचेंगे। और दर्शकों, जो आजकल जीवन की बदलती शैली है, उसमें हमारा खान पान भी बिगड़ रहा है, और उस खान पान के बिगड़ने का नतीजा ये होता है कि हमने जब चाहा, जितना चाहा और जैसा चाहा हम खा लेते हैं, और क्या होता है, अंत में हम हो जाते हैं कुपोषण और बीमारियों का शिकार। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा क्या खाएं कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी सही रहे और हमारा समाज और हमारा देश भी स्वस्थ रहे। तो चलिए, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय को लेकर बात करेंगे। जी हाँ, स्वस्थ समाज और संतुलित आहार। और बातचीत करेंगे हम डॉक्टर आशा कवात्रा से, जो कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में डीन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के पद पर कार्यरत हैं और संबंध रखती हैं खाद्य एवं पोषण विभाग से। साथ हैं हमारे डॉक्टर शशि यादव, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वेमेन हिसार से हैं और संबंध रखती हैं गृह विज्ञान विषय से। और हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट मिस्टर राहुल। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम संतुलित आहार विषय को लेकर बातचीत करेंगे, तो आशा जी, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि हम प्रतिवर्ष 1 से 7 यानी एक सप्ताह जो सितंबर का है वो हम न्यूट्रिशन वीक के रूप में मनाते हैं, तो ऐसा क्यों, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसको मनाने की? न्यूट्रिशन वीक ये हर साल 1 से 7 सितंबर मनाते हैं, और इसमें हमें ये होता है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ाएं, न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, संतुलित आहार क्यों इम्पॉर्टेंट है, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। और इसमें बहुत सारी ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, लेक्चर होते हैं जिससे कि उन्हें अवेयरनेस हो जाए कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो क्या कोई थीम होती है? हर साल इसके लिए हम अलग अलग थीम रखते हैं। जी, जैसे इस साल का थीम है कि गो फॉरवर्ड विद फूड। तो फूड इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम जिंदगी में आगे भोजन, सही भोजन, सही मात्रा में, सही प्रकार से भोजन करें तो आगे बढ़ सकते हैं। इससे हम बहुत बीमारियों से भी बचे रहेंगे, फिटनेस भी रहेगी हमारी, एनर्जी भी प्रॉपर रहेगी, सब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली लेंगे तो हम जो आगे बढ़ेंगे विद फूड बढ़ेंगे। तो इसलिए हमारा थीम है गो फॉरवर्ड विद फूड। इस बार फूड है ना, तो मुझे लगता है कि ये थीम रखने का और जागरूक करने का कोई ना कोई तो फ़ायदा ज़रूर हमारे समाज को है, इसीलिए हम प्रतिवर्ष इस चीज़ को मनाते हैं। और साथ ही जब आपने कहा कि सही मात्रा में भोजन लें, सही समय पर लें, सही वर्ग के हिसाब से लें, सही उम्र के हिसाब से लें, ये जागरूकता हम पैदा करते हैं, तो इस सबको मिला के जहाँ सही चीज़ आ जाती है, सही मात्रा आ जाती है, तो हमें लगता है कि वो एक संतुलन बिठा देती है। तो मैं यहाँ यही जानना चाहूँगी शशि जी आपसे कि संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार वो आहार है जिसके अंदर सभी पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन्स और खनिज लवण और पानी सही संतुलित मात्रा में है, जितना कि हमारे शरीर को चाहिए। कोई भी पौष्टिक तत्व कम या ज़्यादा मात्रा में नहीं है, उसी को हम संतुलित आहार कहेंगे। संतुलित आहार कहेंगे। जी, तो संतुलन जब हमारा हो गया, आहार का संतुलन हो गया, और हमारे साथ हैं जो फिटनेस एक्सपर्ट है, तो अब हम यही जानना चाहेंगे कि हमने संतुलित आहार ले लिया और जो उसको अब हमें पचाना है और अपने आप को फिट रखना है, और आजकल का जो युवा वर्ग है वो तो इसके लिए बहुत जुनूनियत तक पागल है कि मेरे को अपने आप को फिट रखना है और जिम में जाना है या कोई प्राकृतिक रूप से कोई एक्सरसाइज करनी है ताकि मैं फिट रहूं। तो इस फिट रहने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैम, सबसे पहले हम आएंगे रूटीन पे। हम संतुलित आहार तो ले रहे हैं बट रूटीन नहीं है। जब तक आप अपने डेली लाइफ के अंदर रूटीन सेट नहीं करेंगे कि हमें टाइम टू टाइम कितना खाना है और कैसे खाना है, अभी मैम, डॉक्टर मैम ने बताया है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स हमें चाहिए, वो चाहिए भी, बट उसके लिए हमें एक रूटीन की बहुत ज़रूरत है। बिफोर वर्कआउट हमें कितना चाहिए और एक्सरसाइज के बाद हमें कितना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है हमारे रूटीन में होना। मतलब नियम एक्सरसाइज का भी बनाना है और नियम खाने का भी बनाना है। तो जब हम नियम बना लें अगर इस चीज़ों को, और हम बात करें संतुलन की, तो संतुलन बनाने के लिए किन किन फूड ग्रुप्स की आवश्यकता होती है? हमारे जो भी खाद्य हैं, कई अनेक खाद्य समूह हैं, अगर उनको हम ठीक ढंग से लेते हैं तो हमें सारे पौष्टिक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। तो विभिन्न जो खाद्य समूह है, जैसे अनाज हो गया, एक दालें हो गए, एक फल हो गई, सब्जियां हो गई, सब्जियों में भी हरी सब्जी का अलग है, बाकी सब्जियों का अलग है, और स्टार्च वेजिटेबल जैसे आलू वगैरह इनका अलग है। इसी तरह
चीनी, इनका चीनी गुड़ का एक हो गया, वसा हो गई, दूध से दूध प्राप्त। तो ये हमारे सारे खाद्य समूह हैं जिनको हमें रोज़ अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए, और एक पर्टिकुलर मात्रा होती है जिसमें उनको हमें अपने आहार में रखना है। और अगर हम ठीक मात्रा में इन सब खाद्य समूह में से अपने भोजन में सम्मिलित करेंगे तो हमें ठीक पौष्टिक तत्व जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि ये नहीं कि एक दिन तो आप दाल खा रहे हैं, एक दिन खाली सब्जी खा रहे हैं, तो सब चीज़ का सम्मिलन हमारे आहार में होना चाहिए उचित मात्रा में। तो यानी कि जैसा बहुत सही बताया कि भाई सभी चीज़ें मिलाओ, कहीं ना हो कि एक दिन दाल खा ली है तो अगले दिन सब्जी खा लो, या एक दिन सब्जी खा ली है तो अगले दिन दाल खा लो, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को मिस करने लगेंगे तो कोई ना कोई डेफिशिएंसी हमारे शरीर में ज़रूर आएगी। तो ऐसी कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हैं जो हम संतुलित आहार न लें तो हम को हो सकती हैं या हम उस चीज़ से ग्रस्त हो सकते हैं? मैडम, वैसे तो हमारे समाज में यूँ कह लीजिए आज के समय में जो मेन डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं, जैसे लोहे की कमी के कारण से एनीमिया हो जाता है जी उसके साथ साथ जैसे विकास सही प्रकार से नहीं हो पाना, प्रोटीन की कमी से है, आँखों की रोशनी की समस्या जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से, यानी कि सभी पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण कोई ना कोई रोग के ग्रसित हमारा शरीर हो सकता है। लेकिन ज़्यादा जो आज के समय में है वो प्रोटीन के कारण से भी हैं, लोहे के कारण से भी हैं, विटामिन। तो मैं हाँ जी जो आप बता रहे हैं लोहे की, और ये तो है ही है, तो हाँ जो सबसे ज़्यादा कमी दिख रही है जो हर तीसरे चौथे व्यक्ति में दिखती है वो है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी का कारण भी यही है कि हम जो हमारी डाइट है उसमें विटामिन डी का जो स्रोत है वो या तो हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जो पशुओं से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि अंडा है, मीट है, मछली है, लेकिन हम वो बहुत कम लोग लेते हैं। तो उसमें हमारा जो दूध है या सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए दो ही चीज़ें बचती हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के अंदर हम बहुत कम समय के लिए या बहुत जब जाते हैं तो अपने शरीर को ढाँप करके जाते हैं, जिसके कारण हमारे त्वचा के ऊपर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता और हमें विटामिन डी नहीं मिल पाती। या दूध हम ले रहे हैं तो घी निकाल करके, यानी कि मलाई उतार करके ले रहे हैं, स्किम मिल्क ले रहे हैं, वसा रहित, तो जिसके कारण से विटामिन डी हमें नहीं मिल पाती, उससे वंचित रह रहे हैं। तो इसलिए ज्यादा ये हो रही है कुछ अंदर रहने से और कुछ एक खाने की चीजों की कमी के कारण, जो हमारी कार्यशैली ऐसी हो गई है उसके कारण से। बिल्कुल। तो राहुल जी, जैसे कार्यशैली की बात करते हैं हम, कार्यशैली तो वाकई में हमारी जो है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बैठ गए तो बैठे ही रह गए 6-7 घंटे, और लेटे हैं तो लेटे ही रह गए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा बहाना बनता चला जाता है कि हम उसी में अपने आप को आरामदेह समझने लगते हैं। अब जो आजकल के बच्चे हैं वो तो चलो थोड़ा सा रखते हैं कि फिट का एक क्राइटेरिया रखते हैं और जाते भी हैं जिम वगैरह, या दौड़ते देखे जाते हैं बहुत ज़्यादा सड़कों पर, लेकिन वो जब आते हैं वापस तो वो बड़ा घर में हल्ला मच रहा होता है, उनकी मम्मी भी बना रही होती है कुछ उन्हें कि भी प्रोटीन देना है या कोई सप्लीमेंट देना है, या वो भी शोर मचाते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स चाहिए। तो क्या अगर फिटनेस का क्राइटेरिया हम अपने दिमाग में रखते हैं तो सप्लीमेंट्स का लेना आवश्यक है? मैम, सप्लीमेंट्स का मतलब एक तरह का है कि हम सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, अगर हम नेचुरली अगर हम डाइट से अपना पूरा कर रहे हैं, प्रोटीन पूरा, फैट पूरा कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि हम सप्लीमेंट लेना चाहिए। सप्लीमेंट का नाम ही सप्लीमेंट है, क्योंकि एक्चुअली कोई अदर सोर्स में हम जाते हैं, जैसे अब मैं रूटीन में अपनी डाइट के अंदर अपना सब कुछ पूरा कर रहा हूँ, प्रोटीन पूरा कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट पूरा कर रहा हूँ, फैट पूरा कर रहा हूँ, विटामिन मिनरल्स है जो कि हमें वेजिटेबल से मिलते हैं, ठीक है, और प्रोटीन हमारा हम पनीर से ले रहे हैं, दालों से ले रहे हैं, तो मैं नहीं सोचता कि हमें सप्लीमेंट पहनना चाहिए। सप्लीमेंट उन लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो डाइट में पूरा नहीं कर पाते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आज रूटीन में लोग वर्किंग करते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, ना दिन में खाने का पता है ना रात को खाने का पता समय तो है ही नहीं, तो ही नहीं उन जैसे लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है कि डाइट अगर पूरा नहीं हो रहा है तो आप सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं। बट ये परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए एथलीट ट्रेनिंग में सप्लीमेंटेशन का ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि उनको अपनी एडवांस ट्रेनिंग के लिए चीज़ों की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल रूटीन के लिए मैं सप्लीमेंट नहीं मानता हूँ अगर आप डाइट को पूरा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से बिल्कुल ठीक है, मतलब कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है अगर हम अपनी डाइट सही तरह ले रहे हैं। तो प्राकृतिक तौर पर ज़्यादा हमें आश्रित रहना चाहिए बजाय कि हम कुछ अलग चीज़ लें, तो ताकि उससे स्वस्थता भी बढ़ती है। अब आशा जी, जो जैसे बहुत काम करते हैं, गाँव में भी जाते हैं, महिलाओं से भी मिलते हैं, जो बढ़ती उम्र की बच्चियाँ हैं उनसे मिलते हैं, और गाँव में देखा है कि अक्सर हर का रोना देखा है कि चाहे वो गर्भवती हो चाहे वो बढ़ती हुई बच्ची हो, कि भाई इसके तो ना जी खून की कमी हो रही है,
तो इतना सब कुछ गांव में होने के बावजूद, यहाँ जो हरी पत्तेदार सब्जियों की कोई कमी नहीं, सब कुछ नहीं है, बहुत से अनाज उपलब्ध हैं, तो फिर भी क्या ऐसा उनको बताएं कि जो ये तादाद है अनीमिया की वो कम होने लगे? अनीमिया तो बहुत गंभीर समस्या है। कम से कम 80% लड़कियाँ हमारी खून की कमी से, बहुत दुखदाई है जी, बिल्कुल। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी जो डाइट में इनटेक है आयरन का वो बढ़ाया जाए, और आयरन जो किस किस है वो उनको नॉलेज बढ़ाने के लिए, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियाँ हैं उसमें बहुत आयरन है, और हरे पत्तेदार सब्जियों में भी जो ये चने का साग है जी, और जो फूल गोभी के पत्ते हैं हाँ जी, जिसमें कि जो हम लोग फेंक देते हैं, इनमें हरे पत्तेदार की सब्जियों के समूह में भी इन दोनों में करीब 40 mg/100 g आयरन हमें मिलता है। तो ये दोनों अगर वो हरी सब्जियों में सम्मिलित करेंगे, गांव में तो चने का साग बहुत आराम से मिलता है, तो उसकी सब्जी बना के उसकी रोटी बना लें, रोटी में डाल दें, उसके कोई स्नैक्स बना लें उन दोनों सब्जियों का, यहाँ तक कि हमने तो अपनी लैब में इनके सब पत्तियों के पाउडर भी बनाए हैं। पाउडर बना के जो भी चीज़ हमारे यहाँ बन रही है, चाहे मट्टी है, चाहे सेव है, चाहे बिस्किट है, चाहे रोटी है, वो 2 चम्मच पाउडर उसमें डाल दें, वो हरा भी हो जाएगा और उसका जो भी प्रोडक्ट बनाओगे उसमें आयरन भी अच्छा होगा। इसके अलावा जैसे चने हैं, जो नॉन वेज खाते हैं वो वैसे एग भी खा सकते हैं, एग योग में भी आयरन होता है, और यहाँ तक कि अगर आप खाना बनाएं तो अगर लोहे के बर्तन में खाना बनाएंगे तो उसमें भी थोड़ा लौह ज़्यादा मिलेगा। और आयरन के सोर्स तो बहुत सारे हैं, एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि जब भी आयरन खाएँ तो साथ में विटामिन सी को ज़रूर आहार में सम्मिलित करें, और विटामिन सी के लिए हमारे पास आंवला है, अमरूद है, नींबू है, तो जब भी हम भोजन में आयरन डालें तो साथ में कोशिश करें कि विटामिन सी का सोर्स भी डालें। उससे क्या होता है कि आयरन हमारा जो अवेलेबल ज़्यादा हो जाता है, एक फेरिक फॉर्म में आयरन होता है वो फेरस में कन्वर्ट हो जाता है और ज़्यादा पच जाता है शरीर में। तो आयरन की समस्या भी इसीलिए है क्योंकि इसकी पाचकता बहुत कम है, जो आयरन की एब्जॉर्प्शन है अगर हम 100 mg खा रहे हैं तो खाली 2-5% ही हमारे शरीर को मिलता है, तो इसलिए हमें विटामिन सी की इसीलिए हमें वो कमी होती है। और मुझे आपकी तो ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का पाउडर, तो ये तो हमारी बहनें बहुत आसानी से जो घर में उपलब्ध है या बाजार में भी जब सस्ते समय में ये चीज़ें मिल रही होती हैं ला के सुखा सकती हैं, और सुखाना भी हमारे तो देश में सूर्य की किरणों की भरमार है, आराम से सूख जाए, सभी चीज़ प्राकृतिक रूप में हो जाए, और उसको जब उनके पास वो चीज़ नहीं होती तो वो उसको इस्तेमाल करके खा सकती हैं। बहुत ही बेहद बढ़िया लगा ये आपकी ये बात, और दूसरा ये बहुत अच्छा लगा कि लोहे की कढ़ाई में, देखिए आप घर बैठे बैठे आप इन चीज़ों से अपनी जो अनीमिया की प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। और तो रही बात ये अनीमिया को दूर करने, एक चीज़ मैं और यहाँ बताना चाहूँगी, वैसे क्योंकि अनीमिया की एब्जॉर्प्शन कम है तो कभी ये हेजिटेशन महिलाएं ना करें कि टैबलेट खानी पड़ रही है। अनीमिया का लेवल मतलब हीमोग्लोबिन ठीक करना है, तो चाहे उन्हें एक बार टैबलेट खा के भी ठीक करना पड़े तो भी कोई हर्ज नहीं, यानी डॉक्टरी सलाह पर वो टैबलेट भी ले सकती है। इसी तरीके से क्या होता है, शशि जी के जो माताएं हैं और वो बड़ी बेहद तंग होती है रोज़ के भी, हम बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड पसंद करते हैं, जंक फूड्स जिनको हम कहते हैं, स्ट्रीट फूड कह लीजिए, वो पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो माताओं के लिए तो रोज़ की सरदर्दी है कि ये आज खाना खा के नहीं आया, ये टिफ़िन ऐसा का ऐसा ले आया, तो ऐसा क्या करें कि उस बच्चे को जो वो खाना चाह रहा है स्ट्रीट फूड या फास्ट फूड वो भी मिल जाए और पौष्टिकता भी मिल जाए साथ ही? उसके लिए हमें अपने थोड़ा सा अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा कि भी कौन से तत्व हमारे भोजन में हमारे पौष्टिक तत्व ज़्यादा हैं, और उन्हीं चीज़ों को जो बच्चे की पसंद का फूड आइटम है उसी में ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ताकि वो चीज़ें हमें मिल सकें। जैसे बच्चे को मान लो हरी पत्ते वाली सब्जियाँ पसंद नहीं है तो हम उसको जैसे पराठा दे रहे हैं या उपमा बना के दे रहे हैं तो उसके अंदर काट करके या पीस करके वो चीज़ दे सकते हैं, ताकि वो आटे में मिला करके हमने पूरियां बना ली या पराठा बना लिया, या इवन बच्चे को अगर सूप पी लेता है तो हम सूप में भी हरी पत्ते वाली सब्जियों की मात्रा कुछ डाल सकते हैं। तो इस तरह से मतलब हमें उनको देने से मतलब है वैरायटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। जैसे आप फास्ट फूड की बात कर रहे हैं तो जैसे बर्गर खाने का बहुत शौकीन है बच्चे, तो बर्गर में जो टिक्की लगाएंगे तो उसको बजाय आलू के उसमें सब्जियां मिला दीजिए, गाजर मिला दीजिए, पनीर मिला दीजिए, अंकुरण करके दाल बनाइए, उस दाल को स्टीम करके मिला दीजिए, तो वो टिक्की इटसेल्फ इतनी पौष्टिक हो जाएगी तो बर्गर तो अपने आप हो ही जाएगा। सही बात। और बच्चों को जैसे कन्विंस करते हैं, अगर हम पिज़्ज़ा ही खाने के बहुत शौकीन हैं तो पिज़्ज़ा में
जो बेस लेते हैं उसको भी हम बजाय मैदे के आटे वाला ले लें, उसके ऊपर भी थोड़ा पनीर, थोड़ा स्प्राउट, थोड़े बीन्स, ऐसी चीज़ें डालें जिससे कि उनको विटामिन, एनर्जी मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, और उसमें जो उसके नेगेटिव चीज़ें वो भी अपने आप कम हो जाएंगी जब हम उसको ओवरलोडिंग कर देंगे सब्जियों से, पनीर से, स्प्राउट से, तो नाम भी वही रहेगा, रहेगा बर्गर रहेगा, लेकिन सारा जो उसके अंदर आपने इस्तेमाल करें इंग्रेडिएंट्स वो सारे पौष्टिकता से भरपूर हो जाएंगे। नूडल्स के बहुत शौकीन है बच्चे, तो उनको सब्जियां इतनी डाल दीजिए नूडल्स में कि वो बेचारे नूडल्स कम नजर आए और सब्जियां ज्यादा हों, तो उसमें पौष्टिकता मिलेगी बच्चों को, क्योंकि उनको कन्विंस भी करना पड़ता है, उनका शौक भी पूरा करना पड़ता है हमें, कि उनको तसल्ली हो जाती है कि हमने कुछ खा लिया। अब क्या हो रहा है, जैसे आपने बहुत सही बताया कि बच्चों को पौष्टिकता तो भी निस्संदेह हमें बढ़ानी चाहिए और किस तरीके से बढ़ानी चाहिए, लेकिन आजकल एक प्रॉब्लम और आ रही है और वो प्रॉब्लम राहुल से भी जानना चाहेंगे कि ये बहुत आ रही है, बच्चे बैठे रहते हैं या कुछ इतनी टीवी के सामने ही खाते रहेंगे, तो वो अपनी फिटनेस में ऐसा क्या करें, और पढ़ने वाले बच्चे हैं, समय की मात्रा कम है उनके पास, तो वो क्या करें फिटनेस के लिए कि ताकि उनका समय भी ज़्यादा ना जाए और बॉडी भी उनकी अच्छी रहे, यानी फिट रहे जिसको। मैम सबसे पहले अगर बच्चे घर में पढ़ रहे तो उनके पेरेंट्स को उन पर थोड़ा सा नज़र रखना पड़ेगा, जैसे मेरी माताएं बहनें उनको ये करना होगा कि मान लो अगर वो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे उनको पेन उठाना है, अपनी बुक्स उठानी है, तो वो खुद करें। हम बेसिकली घर में क्या देखते हैं, मम्मी ये देना, मम्मी वो देना, फ़ोन में लगे हुए हैं, रूटीन इतना उन्होंने खुद इतना बिजी कर लिया अपने आप को, वो कुछ करना चाहते ही नहीं है। तो अगर हम उन्हें इस रूटीन में डालेंगे कि वो अपने आप से जो जितना वो भी करें अपने आप से करें, अगर पढ़ भी रहे हैं, वॉक करते हैं पढ़ लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी कैलोरी बर्न कर रहे हैं, अपना फोकस कर रहे हैं, वो स्टडी तब भी कर सकते हैं। बस बेसिकली थोड़ा सा हमें ये करना है घर में कि उनकी रूटीन को कैसे ना कैसे बढ़ाया जाए, कि कैसे ना कैसे वो यूज़ करें अपने आप को। हाँ सही बात है, मतलब एक जगह बैठने की बजाय उसी कार्य को आप खड़े होकर या चल फिर कर वहाँ कर सकते हैं। बेसिकली अगर फ़ोन में इतनी चीज़ें उनको मिल गई है, अगर कुछ पढ़ना भी है तो फ़ोन में खोल लेते हैं जी, वही फ़ोन का उनका कम करवा के अगर हम उनकी रूटीन को बढ़ा दें, सीढ़ियों पे कुछ लेने भेज दिया ऊपर हमने छत पे, चल तो कपड़े लिया, कभी कुछ लिया, कुछ भी हम ऐसी एक्टिविटी जिससे उनको अच्छा भी लगे और उनको और उनका काम भी हो जाए। बहुत सही कहा आपने कि भाई उनका रूटीन को हमें ध्यान में रखें और उनका नियम इस तरीके से बता देना चाहिए ताकि वो एक ही कार्य में, एक ही शैली में ना स्टक रहे। तो आशा जी, जैसे आजकल जो है, जो गर्भवती महिलाएँ हैं और जो हमारी स्तन पान कराने वाली माताएं हैं, उनमें भी बहुत संतुलित आहार की कमी देखी जाती है, और अक्सर क्या वहम रहता है कि गर्भवती महिला को तो ये रहता है कि मुझे पच नहीं रहा, या मेरे को डकारें आई जा रही हैं, या कुछ हो रहा है, और स्तनपान कराने वाली महिला को रहता है कि मेरा दूध ही नहीं उतरा, तो शायद कोई खाने पीने की उसमें कमी है, तो उनके लिए क्या संतुलित आहार होना चाहिए? दोनों, जैसे संतुलित आहार दोनों के लिए आप बात कर रहे हैं, तो असल में तो गर्भवती और दूध पिलाने माताएँ दो लोगों का खा रही हैं जी, वो खुद खा रही हैं तो अपने बच्चे के लिए भी खा रही हैं, तो ये बात उनके दिमाग में डालनी पड़ेगी कि आप अगर नहीं खाएंगे तो आपका बच्चा भी तंदुरुस्त नहीं पैदा होगा। तो उसके लिए उन्हें क्या है कि काफ़ी प्रोटीन, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा भी चाहिए, क्योंकि बच्चे की बढ़त भी उसमें होनी है, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, तो इन सब के लिए उनको अनाज के साथ साथ काफ़ी फल, सब्जियाँ, ये भी दूध, अंडा अगर खाते हैं तो ये अपने आहार में सम्मिलित करने चाहिए, और जो अच्छे से स्प्राउट डाल लें थोड़े से, और जिस फॉर्म में उनको लगे कि डाइजेस्ट बेटर होगा उसी फॉर्म में खाएं। और दूध पिलाने वाली माताओं को भी ये ऐसे चाहिए कि थोड़े कंसंट्रेटेड भी डाल सकते हैं, जैसे वो तिल है, मूंगफली है, प्रोटीन के लिए वो ये चीज़ें भी डाल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ वो नहीं खा सकते, लेकिन ज़्यादा पौष्टिक तत्व उन्हें चाहिए, तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में जिसमें हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। थोड़े से पहले यही कहा करते थे ना कि बादाम खा रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल, तो बादाम इसलिए नहीं था कि खाली बादाम से कुछ होना, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेटेड सोर्स है वो प्रोटीन का, फैट का, तो इसलिए उसमें डाला कर सकते हैं। मतलब जो मूंगफली को कहते हैं हम कि गरीबों की मेवा, और मूंगफली ये कहते हैं कि भाई ज़रूर खाओ, एक मुट्ठी भर तो ज़रूर खाओ, ताकि वो मेवा की जो पूर्ति है, जैसे भाई जो लोग ये चीज़ नहीं ले सकते या कहिए कि भी मुश्किल होती है लेने में, तो उनके लिए वो सब चीज़ों की पूर्ति जो है वो मूंगफली से हो जाती है। तो मूंगफली और तिल क्यों खाएं, किस लिए, क्या दे रही है वो हमें? तिल, मूंगफली में प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, कैल्शियम मिलता है, आयरन मिलता है, और इसको तो हम बोलते हैं कि गरीबों का मेवा है जी, बिल्कुल। तो इसी तिल और मूंगफली को हम अनेक प्रकार से अपने आहार में डाल सकते हैं, जैसे हम लोग तो इसका पाउडर बना के घर में रख लेते हैं जी, और बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, चाहे उसको आटे में गूंध दिया, चाहे सब्जी में ही आप 2 चम्मच अगर तिल का पाउडर डाल देंगे
तो आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, कैल्शियम भी मिल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा किसी को कि उसमें कुछ डला हुआ है। भी कोई फर्क टेस्ट में भी नहीं आएगा और ये है भी सस्ते। हाँ जी, बहुत ऑर्गेनिक फूड का नाम बहुत सुना जा रहा है, तो ऑर्गेनिक फूड क्या है? क्या वाकई में ये भी कुछ संतुलित आहार के रूप में है, अच्छा है, स्वस्थ है हमारे लिए? ऑर्गेनिक फूड तो एक तरह से समझ लो उपज, फसल को उपजाने का एक तरीका है। जैसे जब फसल होती है खेत में, सब्जियां लगती हैं, तो बीमारी से बचाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइज़र, बीमारी से बचाने के लिए पेस्टिसाइड डाले जाते हैं और वो केमिकल इतने ज़्यादा स्प्रे कर दिए जाते हैं कि वो फल सब्जी सब में उसका रेजिड्यू रह जाता है। तो जब भी हम वो खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में वो केमिकल्स पहुँचते हैं और बहुत हमें नुकसान पहुँचाते हैं और अनेक बीमारियों को जन्म दे देते हैं। तो जो ऑर्गेनिक फूड है वो हम ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल खाद से, वर्मी कंपोस्ट से, बिना पेस्टिसाइड डाले हुए उगाते हैं। उगाते यानी कि ऑर्गेनिक फूड हमें खाना चाहिए, जिससे तो हमें आशा जी पौष्टिकता मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आशा जी आप यहाँ आई, शशि जी आई और राहुल जी आए और आपने इतनी अच्छी बातें बताई संतुलित आहार के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में हम जो हमारे दर्शक हैं उनसे हम यही विनती करेंगे कि आप संतुलित आहार खाएं और बनाएं और घर में ही उसकी पूर्ति करने की कोशिश करें, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वह स्वस्थ रह सके, और वह स्वस्थ रहेगी तो हमारा देश जो है निश्चित रूप से स्वस्थ होगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।